बस अभी मैं मेन वाला जो एरिया है उससे थोड़ा हट के अंदर पार्किंग के साइड आया हूँ। आज मेन इसलिए यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही हैं क्योंकि आज देवी अहिल्याबाई की जयंती है जो यहाँ की रानी थी। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करता हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में। तो आज इंटर्नशिप के मेरे लगभग 5 से 7 दिन बचे हुए हैं, मतलब मुश्किल से 1 हफ्ते बचे हुए हैं और 2 महीने लगभग इंटर्नशिप के कंप्लीट होने वाले हैं। और इसी बीच मैं इंटर्नशिप के टाइम पे कोई भी मतलब डेली ब्लॉग नहीं बनाया हूँ, बीच बीच में जब कुछ इंपॉर्टेंट होता है तभी ब्लॉग बनाता हूँ। और वैसे ही आज मतलब जो क्लासेस होती है अपनी इंटर्नशिप वाली, जो वर्चुअल क्लासेस होती है जूम पे, वो आज लास्ट क्लास है तो आज इसीलिए ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। और उसके बाद फिर उसके अपनी पोस्टिंग और फिर उसके बाद अपनी पोस्टिंग वाला जो मेल आएगा वो कब आता है और जिस दिन आएगा उस दिन बनाऊंगा। और फिर उसके बाद कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है या कि फिर ब्रांच बैंकिंग में ही कंटिन्यू करने के लिए बोलता है, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो अभी से लगभग 7 दिन बाकी हैं और 15 तारीख लास्ट है, मतलब 15 अपने जो जुलाई चल रहा है इसमें 15 जुलाई को अपना लास्ट इंटर्नशिप का वो रहेगा और उसके बाद 16 तारीख से अपना OGT स्टार्ट हो जाएगा। तो बस अभी रेडी हो गया हूँ और अभी टाइम हुआ है 8:30। तो अभी यहाँ से निकलूँगा, लगभग 15 से 20 मिनट लगता है ब्रांच पहुँचने में। तो ठीक है, अभी निकलता हूँ रूम से और मिलता हूँ बाहर। वाला जो एरिया है उससे थोड़ा हट के अंदर पार्किंग के साइड आया हूँ। ये अपने बैंक की ही पार्किंग है, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है आपको। और आज मेन इसलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि आज देवी अहिल्याबाई की जयंती है जो यहाँ की रानी थी, तो इसीलिए यहाँ ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। और राजवाड़ा उनका पैलेस था, मतलब मेन जो उनका रहने का स्थान था वो यही था, तो इसीलिए यहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं। हर बार कोई भी कार्यक्रम होगा इंदौर में तो यहाँ तो ज़रूर ही झांकी निकलती है। तो आज वही इन सब सारी चीज़ों का चीज़ें हो रही हैं। और अभी टाइम भी हो गया है 9:05 और अभी ब्रांच ओपन होने वाली है क्योंकि सब कोई ट्रैफिक के चक्कर में फंस गए होंगे। मैं भी मतलब थोड़ा घुमा के फिर आया, पैदल होके आया वहाँ से, और कुछ दूर तक मेरा दोस्त छोड़ दिया था और फिर जहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ था वहाँ से फिर मैं पैदल होके आया हूँ। तो ठीक है, अभी जैसे ब्रांच ओपन होती है तो चलता हूँ अंदर और फिर बताता हूँ, क्योंकि अंदर थोड़ा आवाज़ नहीं आएगी तो अंदर प्रॉपर बता पाऊँगा। तो बस अभी हुआ है टाइम 10:05 और जैसा कि बैंक ओपन हुआ था तो उसके बाद अपना सिस्टम लॉगिन किया और उसके बाद हडल मीटिंग थी। और हडल मीटिंग में लगभग यही होता है कि मतलब कुछ अचीवमेंट और मतलब आज क्या काम करना है, एजेंडा ऑफ द डे, यही सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। और साथ साथ में कोई अलग अलग डिपार्टमेंट के मतलब वो अलग अलग पर्टिकुलर RH RHS मतलब अलग अलग रोल वाले भी आते हैं और वो भी अपनी चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो यही सारी चीज़ें होती हैं। और अभी मतलब सिस्टम लॉगिन हो गया, हडल मीटिंग भी हो गई, सारी हो गई हैं, अब स्टार्ट भी हो गया अपना मतलब बिजनेस आवर। और अभी मैं अपना जो बॉक्स लेके आता हूँ लंच बॉक्स, तो अब स्टार्ट में बनाता हूँ मैं, तो ऐसा कुछ करके है इसी में लेके आता हूँ और ला के अपने पेंट्री में रख देता हूँ। तो यहाँ पे ही आ गया हूँ, पेंट्री पे ही हूँ अभी मैं और यहीं पे बैठ के जब अपना लंच करने का माहौल रहता है और बना के ही लाना शुरू कर दिया हूँ। और अभी प्रॉपर ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, वो भी सारी चीज़ें दिखाऊंगा जैसे अपना OGT वाली चीज़ें शुरू हो जाएंगी, लेकिन बीच में अभी कुछ चीज़ें सही हो जाती है, अपना रूटीन एकदम फिक्स हो जाता है तो फिर बनाना स्टार्ट कर दूंगा अपना डेली ब्लॉग जैसा कि बनाता था, मतलब सुबह उठने से लेके शाम तक का। तो अभी ऐसा सिचुएशन है और जैसा कि बताया था मैं कि आज देवी अहिल्याबाई की जयंती है तो उस चक्कर में पूरा बाहर माहौल हो रखा है क्योंकि अपनी राजवाड़ा ब्रांच है और राजवाड़ा पैलेस के बगल में है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं और पूरा प्रोग्राम भी अभी चल ही रहा है तो पूरी आवाज़ें आ रही हैं। तो ठीक है, अभी अपना लंच बॉक्स रखता हूँ और फिर उसके बाद चलता हूँ और जो भी चीज़ें होंगी जैसा कि कस्टमर का क्वेरी सुनना और सारी चीज़ें समझना और क्या रिक्वेस्ट है उस हिसाब से अलग अलग फॉर्म में रिक्वेस्ट लेना और IVU में चेक करके स्टेटमेंट देना और MFK ऑपरेट करना, यही सारी चीज़ें चल रही हैं अभी।
तो ठीक है, लंच बॉक्स को रखता हूँ और चलता हूँ। और फिर जैसे ही अपना लंच का टाइम होगा, मतलब किसी भी टाइम हो जाता है लंच, मतलब जब खाली हो, जब कस्टमर का फुटफॉल नहीं हो, तब जाके अपना आराम से बैठ के लंच कर लो और उसके बाद फिर से अपना लग जाओ। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं और मेन काम अपना रीकेवाईसी वाला चल रहा है। तो ठीक है, उसके बाद जैसे ही लंच करने के लिए टाइम मिलता है तो फिर मिलता हूँ। तो बस अभी 2:50 हुए हैं और अभी मैं और ओमकार सर आ गए हैं लंच के लिए। और आज अभी थोड़ा फुटफॉल ज़्यादा था कस्टमर का, तो इस चक्कर में अभी थोड़ा टाइम भी हो गया है, नहीं तो लगभग 1-1.5 बजे लंच कर लेते हैं। तो अभी बैठा हुआ हूँ। वैसे तो अभिषेक सर थे, उनका हो गया है ट्रांसफ़र पलासिया, मतलब उनका वो GT का पलासिया मेन्यू पलासिया कोई ब्रांच दिया है। और हमारे ब्रांच के सीनियर आरएम हैं ओमकार सर, ये भी अपने मणिपाल मतलब वो एक्सिस बैंक में थे। कौन सी ईयर में थे सर? 2017-18 वाले बैच में थे, फिर एक्सिस में 3-4 साल किए और फिर अभी ICICI में काम कर रहे हैं। तो ठीक है, कंप्लीट करता हूँ अपना लंच और फिर उसके बाद फिर से अपना वही काम चालू हो जाएगा, अपना कस्टमर आना अभी तो चालू ही है। तो आज मैं लंच में सुबह बनाया था रोटी है, रोटी में घी लगा हुआ है और साथ ही साथ आलू की भुजिया थी और आम रखा हुआ था, तो आम को भी काट के डाल लिया हूँ। तो अपना यही रहता है लंच में और ऐसे ही टिफ़िन में पैक करके लेके आता हूँ। तो अभी आज के लिए यही है, तो अब कंप्लीट करता हूँ अपना लंच और फिर चलता हूँ सीधे अपनी डेस्क। वो सभी टाइम हुआ है 6:45 होने वाले हैं और मैं निकल आया हूँ ब्रांच से। तो आज थोड़ा जल्दी निकल आया हूँ, वैसे 7 बजे तक निकलता हूँ और अभी थोड़ा प्रकाश भी है, मतलब पूरा सनसेट नहीं हुआ है। तो अब चलता हूँ सीधे रूम पे और फिर मिलता हूँ। तो बस अभी 7:10 हुए हैं और मैं आ गया हूँ अपने रूम पे और अब जा रहा हूँ, कपड़े चेंज करूँगा और फिर अपना कुछ काम निपटाऊँगा और फिर शाम का खाने वाने का व्यवस्था करूँगा। आज से इंटर्नशिप का भी पूरा कंप्लीट हो गया है, मतलब क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, इंटर्नशिप अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लास्ट का भी 1 हफ्ता बाकी है, मतलब वो 15 तारीख को कंप्लीट होगा, तो लास्ट का 1 हफ्ता है अभी। तो अभी मेल वेल तो आया नहीं है और जैसा ही आएगा तो फिर मैं बताऊँगा। और जो मेन दिन हुआ करेगा इंटर्नशिप अभी, मतलब इसके बाद का, जिस दिन कुछ खास मेल आता है कि कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो उस दिन ब्लॉग आऊंगा और बताऊंगा भी। ठीक है, आज के इस ब्लॉग का करता हूं एंडिंग। यदि आपको ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इधर 1-2 ब्लॉग आ रहा होगा, इनको भी चेकआउट करिएगा। तो मिलता हूं आपसे किसी और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।